कहने के लिए तो लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, लेकिन वो है शिवलिंग ही। फाउंटेन को चेक भी किया गया, उसमें जो होल किया गया वो 6 इंच का महज है, लकड़ी डाल के चेक किया गया, तो इससे प्रमाणित होता है कि वो है तो शिवलिंग ही। बाकी फैसला जहाँ तक है वो कोर्ट का काम है, संविधान का काम है देना। और ये भी पूरी तरीके से हिंदू निश्चिंत है कि फैसला हिंदुत्व के ही तरफ आएगा, क्योंकि हमेशा से मुगलों ने मंदिरों को गिरा के वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण करवाया है। चाहे वो अयोध्या का आप मैटर देख लें, चाहे यहाँ पे देख लें काशी विश्वनाथ का, नहीं तो ये मंदिर के बगल में मस्जिद मंदिर के अंगल कैसे आ जाएगी। अभी और इसकी जाँच हो तो और जगहों पर भी नीचे चेक किया जाएगा, तो वहाँ भी मिलेंगे हिंदू मूर्तियां मिलेंगी और कई सारी चीजें मिलेंगी, और ये जो मिला है ये तो 100% शिवलिंग ही है। पहली बात तो वो जो बोल रहे हैं तथ्य के आधार पे वो चीज़ होना चाहिए। मुगल कालीन शासन में जब इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ के और इन्होंने मस्जिद बनाई और कितनी बार उसको तोड़ा है ये हमें हम सबको पता है। और फाउंटेन होने की बात है, वैज्ञानिक तर्क पे अगर उसको निकालेंगे वो फाउंटेन कहीं से कहीं तक नहीं है। फाउंटेन उस टाइम पे फाउंटेन के लिए भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, उसमें ऐसा कभी भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि फाउंटेन है। देश देखिए संविधान के आधार पर चलता है, ये सभी लोग मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, देश संविधान के आधार पर चलता है। जो कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को सर्वमान्य होगा। आप देश में जितनी भी मस्जिदें बनी हैं सब जगह बना, हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा हिंदू मंदिर था उसको तोड़ के अगर बनाई है तो वो तो हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा, लेना ही पड़ेगा। देखिए जी, जहाँ तक ये न्यूज़ में हम देख रहे हैं और जैसा हमको भी इसमें पता चल रहा है कि शिवलिंग मिला है कुछ ऊंचाई का 4 फुट या 12 फुट के बीच में, लेकिन ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई छुपा हुआ चीज़ है नहीं, ये सब दिखता है। और जैसे कि हमने भी आज दर्शन किए अंदर तो हमने भी देखा जो नंदी जी महाराज का जो वो जो रखी गई हैं उनका जो मतलब फेसिंग है जो टूवर्ड्स मस्जिद की तरफ है, तो ये भी पूरी तरह से प्रूव होती है कि ऐसा कुछ यहाँ पे रहा है जिसको दबाया गया है। और देखिए मेरे को लगता है मुस्लिम पक्ष वालों को भी इसमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, आखिर में ये चीज़ जो गलत हुई थी वो गलत तरीके से की गई थी, अब ये अभी सुधार हो रहा है हर चीज़ों में, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, जो चीज़ें सही थी उसको सबके पक्ष में लाना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें कुछ गलत इशारा नहीं देती हैं, सबको मिलजुल के रहना है। लेकिन इस तरह के चाहे ये मंदिर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, यहाँ हो, चाहे मथुरा हो, पर कोई भी मंदिर में अगर ऐसी कोई पुरानी चीज़ें हैं जिसे शक है तो उसको अगर लोगों को अलाउ किया जाए और किसी तरह से इसका सर्वेक्षण किया जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है, ये हम मानते हैं। इसका फैसला भी आना है तो क्या लगता है कि किसके पक्ष में कितना उम्मीद करते हैं? देखिए भोलेनाथ के तो पक्ष में रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली हम भी विश्वास के साथ आए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है हमको, और बाकी तो आस्था से हम जुड़े हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, इन द सेंस सही पक्ष में आएगा, जो सही है वो हम जानते हैं कि जो है उसमें कोई बात दोहराई नहीं है, किसी तरह से किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो शिवलिंग ही है ये, मतलब हम क्या, ये हमारे पुराण भी कहते हैं और वो शिवलिंग ही है, वो हमारी आस्था है, और बाकी आगे जांच में सारी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। और जिस तरीके से ये चीज़ मिला है इसको सभी को सम्मान करना चाहिए, किसी भी पक्ष का आदमी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई चीज़ मिल रही है और जिस तरीके से मान्यता है हिंदुस्तान में शिवलिंग की, तो वो शिवलिंग ही है, इसको हम सभी लोग मानते हैं। हिंदू पक्ष में ही आएगा फैसला, तो हमारे पक्ष में आएगा, और मंदिर परिसर के अंदर है, और आप सभी लोग, हम सभी लोगों को मालूम है वो शिवलिंगी है, और जो फैसला आएगा सरकार का और या कोर्ट का वो हम लोग सभी को मंजूर होगा और वो हिंदू पक्ष में ही होगा। वो शिवलिंग ही है, ये हमेशा से प्रमाणित होता रहा है कि भारतवर्ष में मुगल आए हैं और मुगलों ने सारे शिवलिंग और जो मंदिर थे वो ढहाए हैं। तो अगर मंदिर परिसर में कोई फाउंटेन की बात कर रहा है तो बिल्कुल ये मतलब अपने आप में मजाक की बात है, क्योंकि वो शिवलिंग था और उसको ढहाया गया, उसकी जगह नंदी का भी प्रमाण मिलता है, और उसको वहाँ पर कुएं में बाबा लोगों ने बचाया, तो वो वही है पुराना, जो आपका मेन जो काशी विश्वनाथ थे वो वहीं पे स्थापित थे, उसको हटा के उनको कुएं में डाला गया, तो मेरा ये मानना है कि वो शिवलिंग है। क्या लगता है कोर्ट का फैसला भी आने वाला, तो किसके पक्ष में देखती हैं, क्या पक्ष में? ये देखती हूँ कि हिंदुओं के पक्ष में आना चाहिए, अब वो पक्ष में चाहे जिसके भी आए लेकिन वो हिंदुओं के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर मतलब अपने आप में गलत होगा कि अगर उसको ये प्रमाणित कर दिया जाए कि वो एक फव्वारा है। बिल्कुल मान लेना चाहिए, हम जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में अगर ये बात बोली जाए कि नहीं वहाँ पे मस्जिद बना दी गई या कहाँ से आई, तो बट ये कहीं से कोई तो बनाएगा जाके, कोई चीज़ अगर नेचुरल वहाँ से मिल रही है तो यानी कि वो पुराणों में भी यही स्थापित होता आया है हज़ारों साल से, तो मुस्लिम पक्ष को ये चीज़ माननी चाहिए।
और उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। पहली बात तो वो जो बोल रहे हैं तथ्य के आधार पर वो चीज़ होना चाहिए। मुगल कालीन शासन में जब इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ के और इन्होंने मस्जिद बनाई और कितनी बार उसको तोड़ा है ये हमें हम सबको पता है। और फाउंटेन होने की बात है, वैज्ञानिक तर्क पे अगर उसको निकालेंगे वो फाउंटेन कहीं से कहीं तक नहीं है। फाउंटेन उस टाइम पे फाउंटेन के लिए भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, उसमें ऐसा कभी भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि फाउंटेन है। देश देखिए संविधान के आधार पर चलता है, ये सभी लोग मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, देश संविधान के आधार पर चलता है। जो कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को सर्वमान्य होगा। आप देश में जितनी भी मस्जिदें बनी हैं सब जगह बना, हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा हिंदू मंदिर था उसको तोड़ के अगर बनाई है तो वो तो हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा, लेना ही पड़ेगा।